नवलगढ़ पोदार कॉलेज के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 393 जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भाजपा नेता डॉक्टर वीरपाल सिंह ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर और बुद्धिमान सम्राटों में से एक थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र न तो दिल्ली की गद्दी के आगे झुका और न ही अंग्रेजों के सामने। देश के महान शासकों में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मन में जोश भर देंगे उनके विचार ऐसे थे। छत्रपति शिवाजी भी उन राजाओं में से एक थे जिन्होंने महिलाओं को हमेशा समर्थन किया, उन्हें सम्मानित किया। किसी भी महिला का अपमान या उत्पीड़न करने वाले को दंडित किया जाता था। शिवाजी महाराज की आज जयंती है तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और जिन्होंने 350 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार हिंदवी साम्राज्य की स्थापना 6 जून 1674 ईस्वी को की। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये हिंदू राष्ट्र के सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करता है ये भाव, और इस लक्ष्य को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने शिवाजी महाराज को नमन किया है, उनके विचार को याद किया है और वो उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे।